जय हिंद दोस्तों, प्रयागराज एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पे मित्रों आप सभी का फिर से एक बार स्वागत है। मित्रों, हम लोग भारतीय मूर्ति कला से संबंधित प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं और 45 प्रश्नों को सॉल्व कर चुके हैं। प्रश्न संख्या 46 से आगे बढ़ेंगे और 46 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है। मित्रों, पहले प्रश्न आज के पहले प्रश्न पे चलने से पहले आप सभी लोगों से अनुरोध करना चाहते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। आप सभी के सब्सक्रिप्शन की बहुत आवश्यकता है। पहला प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मुग्दल मुग्दर किस सामग्री से बना होता है। मुग्दर काष्ठ से, मतलब लकड़ी से बना हुआ होता है। 47 नंबर का प्रश्न आप सभी के सामने है और 47 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि मूर्तिकार राम छाटपार किस लिए प्रसिद्ध है। राम छाटपार आपके प्रस्तर उत्कीर्णन के लिए प्रसिद्ध है, मतलब पत्थर से भी ये मूर्तियां बनाया करते हैं। सीयर पर्दू तकनीक किससे संबंधित है। ये मूर्ति कला से संबंधित एक बहुत प्रसिद्ध तकनीक है। धातु गढ़ने की ये प्रक्रिया होती है, सीयर पर्दू। गंगा अवतरण शिल्प कहाँ पे स्थित है। ये महाबलीपुरम में गंगा अवतरण एक शिल्प है जिसमें भागीरथी को गंगा को धरती पे लाने के लिए प्रयास किया जा रहा है, उसी का मूर्ति यहाँ पे बनाया गया है महाबलीपुरम में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 50 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि डोकर धातु शिल्प कहाँ के आदिवासी जाति के मध्य प्रचलित नहीं है। डोकर कहाँ के आदिवासियों के मध्य प्रचलित नहीं है। उत्तर प्रदेश के आदिवासियों के मध्य डोकर धातु शिल्प प्रचलित नहीं है, बाकी मध्य प्रदेश, उड़ीसा और बंगाल में ये प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 51 नंबर प्रश्न कह रहा है कि ब्राह्मण प्रतिमा विशान के अनुसार दर्पण निम्नलिखित में से किस देवी का श्रृंगार है। लक्ष्मी का श्रृंगार है दर्पण। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। चलते हैं प्रश्न संख्या 52 की ओर। 52 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है महाबलीपुरम में गंगा अवतरण का उत्कीर्ण किस किस में किया गया है। ये ग्रेनाइट पत्थर में किया गया है और इसका निर्माण पल्लव शासकों ने कराया है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 53 नंबर प्रश्न कह रहा है सीरे पर्दू किसको गढ़ने की प्रक्रिया है। इसके पहले प्रश्नों हम लोगों ने देखा है सीरे पर्दू धातु के माध्यम से मूर्ति बनाने की प्रक्रिया है, धातु के माध्यम से मूर्ति को गढ़ने की प्रक्रिया है सीरे पर्दू। 54 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है भारतीय मूर्ति कला को शैली का सही अनुक्रम बताइए। भारतीय मूर्ति कला के शैली का सही अनुक्रम कालक्रम क्या है। तो इसमें कुषाण सबसे प्राचीन दिख रहे हैं, कुषाण के बाद गुप्त, गुप्त के बाद पाल, पाल के बाद चंदेला, चंदेला तो लगभग 10वीं 11वीं शताब्दी के हैं, पाल लगभग 8वीं शताब्दी के हैं, ये 5वीं शताब्दी के आसपास के हैं और ये उसके पहले के हैं, पहली दूसरी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न कह रहा है कांस्य निम्नलिखित का मिश्र धातु, कांस्य किस किस का मिश्र धातु है। कांस्य में तांबा, जस्ता और टिन मिला हुआ होता है, इन तीनों के मिश्रण से कांस्य बना होता है, कांस्य मिश्र धातु है। 56 नंबर प्रश्न अभिकथन कह रहा है कि आकृति मूलक मूर्तियों में बुनावटी सतह जीवंतता का सृजन करती है, कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है क्योंकि तर्क कह रहा है कारण कह रहा है मूर्तियों को अलग प्रकार से बनाने के लिए मूर्तिकारी का एक को एक नई दिशा, एक नई तकनीक मिलती है। आर भी सही है, इसलिए ए और आर दोनों सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 57 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि मैच द फॉलोइंग का प्रश्न है, कह रहा है कैलाश को हिलाते हुए रावण की मूर्ति, ये आप देखिए एलोरा में गुफा संख्या 16 है, कैलाशनाथ मंदिर एलोरा में बना हुआ है महाराष्ट्र में। महेश रॉक कट मूर्ति है, ये एलिफेंटा गुफा में है मुंबई के नजदीक, ये चौथा में मिल जाएगा। गंगा अवतरण, सॉरी ये एलिफेंटा में हो जाएगा ना, गंगा अवतरण महाबलीपुरम में हो जाएगा, महाबलीपुरम में। मौर्य कालीन बुल ये लौरिया नंदनगढ़ में है, तो यहाँ से ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 58 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित सामग्रियों
तथा स्कल्पचर मीडियम्स को सम्मिलित करिए। कार्विंग, कार्विंग स्कल्पचर जो होता है, कार्विंग जो मूर्ति होती है वो पत्थर से बनाई जाती है। मॉडलिंग, मॉडलिंग क्ले मिट्टी से बनाई जाती है। और कास्टिंग पीतल से किया जाता है। और असेंबल मतलब कि इंस्टॉल करना या असेंबल करना, स्क्रैप मटेरियल को इंस्टॉल असेंबल किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न कह रहा है कि अभिकथन राम किंकर बैज ने अपनी सभी मूर्तियों को सीमेंट तथा कंक्रीट में बनाया है। कथन सही कह रहा है और कारण कह रहा है इन्होंने इस माध्यम को इसलिए चुना क्योंकि और कोई माध्यम उपलब्ध उस समय तो नहीं था। तो तर्क भी सही, कथन भी सही। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर प्रश्न कह रहा है कि पश्चिम बंगाल में सामान्यतः टेराकोटा आधार सामग्री का अधिक प्रयोग किया। कथन एकदम सही कह रहा है। तर्क कह रहा है टेराकोटा का प्रयोग अधिक होता है क्योंकि निकटवर्ती स्थानों पर कोई अन्य आधार सामग्री नहीं प्राप्त होती थी। तो तर्क भी और कारण भी सही कह रहा है क्योंकि उस तरफ खनिज बाहुल्य क्षेत्र नहीं है पाकिस्तान, ओ सॉरी पश्चिम बंगाल के, पश्चिम बंगाल का क्षेत्र। हालांकि इधर जो आप चले जाएंगे पश्चिम बंगाल की पश्चिम दिशा में तो वहाँ पे आपको कई क्षेत्र मिलेंगे, जैसे हो गया आपका सिंहभूम या इत्यादि क्षेत्र जो उधर के हैं, जो खनिज बाहुल्य क्षेत्र है, लेकिन वहाँ पे उस समय नहीं हुआ करता था, तो मिट्टी से ही बनाया जाता था। तो ए और आठ दोनों सही है, ऑप्शन नंबर सी। 61 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। 61 नंबर प्रश्न कह रहा है विष्णु की मूर्ति में गदा का प्रतिनिधित्व किससे किया जाता है। ये सहचरी के रूप में गदा का प्रतिनिधित्व किया जाता है। दोनों ऑप्शन यहाँ दिया है, सहचरी और सहचर दोनों होने पे ऑप्शन नंबर ए सहचरी सही होगा। 62 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है मिलान करना है बालू से किसका बालू पत्थर से बनता है, यही पे तो है सामने। पतीना ये कांसा से बनता है। धातु, धातु की ढलाई की जाती है। और मृद भाण ये चाक पे बनाया जाता है, बालू पत्थर से बनता है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है, शायद सबको आ रहा होगा, इसमें तो कुछ है नहीं। 63 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है इसमें भी मिलान करना है और कास्ट को किससे मिलान करेंगे। कास्ट को मिलान करिए रेशु से तीसरे में, और बलुआ पत्थर, बलुआ पत्थर परत दर परत होती है, और मार्बल आपका मार्बल दाना ग्रेन होता है और ग्रेनाइट ज्वालामुखी से निकलता है। तो यहाँ पे जो है ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। कास्ट रेशु, बलुआ पत्थर परत और मार्बल दाना ग्रेन, ग्रेन और ग्रेनाइट ज्वालामुखी। 64 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 64 नंबर प्रश्न कह रहा है कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। जो भागता बहुत तेज है, देखिए जब ऐन मौके पर सही जगह पहुंच जाएगा तभी तो भाग जाएगा आराम से। पहले नहीं भागेगा, जब सही जगह पर जब भागेगा। सही कालक्रम के अनुसार फिर इसको व्यवस्थित करना है। और सही कालक्रम क्या होगा, इसमें दिया हुआ है कि साल भंजिका भरहूत में इसका निर्माण 188 ईसा पूर्व में हुआ था। और दूसरा है गंगावतरण, गंगावतरण आपका गंगावतरण इधर जो इधर है तमिलनाडु में, ये 6वीं-7वीं शताब्दी के आसपास का है। और इसके बाद आपका है तीसरा रावण सेकिंग माउंट कैलाश एलोरा पत्थर का 8वीं शताब्दी का है, और अप्सरा ये खजुराहो 10वीं-11वीं शताब्दी का है। तो ये फर्स्ट BC का है। और इधर हो गया आपका 6th-7th, ये हो गया 8th, और ये हो गया आपका 11th BC AD। चलिए 65 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं, कह रहा है कि माटी या प्लास्टर की मूर्ति का प्रतिरूप तैयार करने से पूर्व लौह आर्मेचर से कार्य आरंभ करना अनिवार्य होता है, सही कह रहा है। और तर्क कह रहा है कांस्य और पीतल की धातु मूर्तियों में भी मूर्ति के आकार के अंदर स्थिरता लाने के लिए लौह आर्मेचर की आवश्यकता होती है। एक लोहे का
मॉडल का या एक मॉडल तैयार किया जाता है जिससे कि वो स्थायी रहे। जैसे घर ढाप बनाते हैं तो घर बनाते समय छत ढालते हैं, छत के बीच में सरिया लगा देते हैं जिससे कि मजबूती बनी रहे। इसीलिए इसी तरीके से कोई मूर्ति बनाते हैं तो इसमें भी ये काम किया जाता है। और 66 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 66 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है। कह रहा है कि कथन कह रहा है, कांसे की मूर्तियां पीतल की मूर्तियों से अधिक मजबूत होती हैं। कांसे की मूर्तियां पीतल की मूर्तियों से अधिक मजबूत होती हैं। अन्य धातुओं का मिश्रण कांसे को मजबूत बनाता है। सही बात है, कांसा अभी हम लोगों ने देखा था कि ये मिश्र धातु है और इसमें पीतल एक अवयव के रूप में रहता है। तो कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है कि कांसे में तांबे का उच्च अनुपात उच्च अनुपात है जिसमें कुछ सीसा मिला हुआ होता है। इस सामग्री को दृढ़तर बनाता है, और उस माध्यम में और अधिक लचीलेपन को यकीनी बनाता है। तर्क भी सही कह रहा है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है और 67 नंबर प्रश्न कह रहा है, सिरेमिक्स शब्द निम्नलिखित में से किसका किसका महत्व है। सिरेमिक्स में चिकनी मिट्टी होती है और ये क्ले बॉडी भी इसे कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। पतीना क्या है? पतीना रासायनिक प्रतिक्रिया है। पतीना एक पतली सतह होती है जो ऑक्सीकरण की रासायनिक प्रक्रिया के फलस्वरूप पत्थर, तांबा और कांसा और अन्य समान धातुओं के ऊपर जम जाता है, वही पतीना है। 69 नंबर प्रश्न कह रहा है, धातु ढलाई के लिए प्रक्रिया का अनुक्रम तैयार करिए। तो धातु ढलाई के लिए पहले वेस्ट मोल्ड तैयार करना पड़ता है। वेस्ट मोल्ड के बाद पीस मोल्ड, फिर वैक्सिंग, फिर इन्वेस्टमेंट मोल्ड तैयार करना होता है। इस प्रकार धातु की ढलाई की जाती है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। 70 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है कि मूर्ति बनाने की प्रक्रिया में अन्य माध्यमों की तुलना में कांसा ढलाई के माध्यम में लचीलापन और स्वतंत्रता बढ़ती बढ़ती जा सकती है। कथन सही कह रहा है, कांसा मूर्ति एक बार ढलाई हो जाए तो टूट नहीं सकती, कह नहीं टूट सकती, इसलिए किसी भी प्रकार के आकार की गवेषणा की जा सकती है, टूट सकती है भाई। ये सही है और गलत है? तो इसका ऑप्शन नंबर ए सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि ए सही और गलत है। 71 नंबर प्रश्न आपके सामने है और कह रहा है, अभिकथन कह रहा है, कांसे की शिल्पकृतियों की सतह पर पटिना का उपयोग कृति को विशिष्ट रंग प्रदान करता है। सही कह रहा है। तर्क कह रहा है, पटिना क्योंकि ऑक्सीकरण की प्रक्रिया है, एक बार निर्मित हो जाने पर सतह का आगे और ऑक्सीकरण बंद कर देता है, तो ये भी सही है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 72 नंबर प्रश्न आपके सामने है। कह रहा है, कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे दिख रहा है कांसे की नृत्य मूर्ति जो है, इसे कहा जाता है कांस्य का कन्या की कांसा की लघु मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है। नृत्य रत मूर्ति जो है महिला की, वो 10.5 सेंटीमीटर वाली जो कि मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुई है, उसी के बारे में। दीदारगंज के यक्षी यक्षिणी की मूर्ति मौर्य काल की है ये। और इधर देखिए, महिषासुर मर्दिनी मामल्लपुरम शैली, ये आपका 8वीं शताब्दी के आसपास की बात है। और नटराज चोली ये सबसे लास्ट में है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब, बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है कि धातु ढालने में बी वैक्स की अपेक्षा पैराफिन वैक्स कम प्रयोग किया जाता है। कथन सही कह रहा है। तर्क कह रहा है, क्योंकि पैराफिन वैक्स सख्त और जल्दी टूटने वाली होती है। तर्क भी सही है, कथन और तर्क दोनों सही है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे भी सही जवाब है। 74 नंबर प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित को सुमेलित करना है और राकू सिरेमिक्स होता है। राकू सिरेमिक्स को मिलाएंगे, लाल मृतिका, लाल मिट्टी, टेराकोटा और बाइटिंग अम्ल और परिवर्धन प्रिंट। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। राकू सिरेमिक्स, लाल मृतिका, टेराकोटा और बाइटिंग अम्ल और परिवर्धन प्रिंट।
75 नंबर प्रश्न आपके सामने है और 75 नंबर प्रश्न कह रहे हैं निम्नलिखित मूर्ति शिल्पों का सही कार्यक्रम व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे मूर्ति शिल्पों का सही कार्यक्रम क्या होगा? सबसे पहले उसका मुखाभ्यास किया जाएगा, फिर श्रृंगार, फिर उसको टॉयलेट, फिर द बुल, ये चीजें क्रम में सही है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न क्या है, निम्नलिखित धातु मूर्तियों के कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। मोहनजोदड़ो की डांसिंगल, फिर सुल्तानगढ़ की का बुद्ध मूर्ति, कांगड़ा का बैकुंठ, फिर चोल शैली का कांस्य नटराज मूर्ति लास्ट में आएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा, ये शायद सबको पता हो। 77 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि इसमें मैच करना है। तो घड़वा घड़वा मूर्तिकला, घड़वा मूर्तिकला बस्तर से संबंधित है। घड़वा मूर्तिकला बस्तर से संबंधित है और वेल धातु मूर्तिकला ये रायगढ़ से संबंधित है। भरेवा मूर्तिकला बैतूल से संबंधित है और झाड़ा मूर्तिकला ये टीकमगढ़ से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 78 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि अफगानिस्तान और संपूर्ण मध्य एशिया में सामान्यतः बुद्ध प्रतिमा, क्या कह रहे हैं, सामान्यतः बौद्ध प्रतिष्ठान गच छवियों के साथ सजाया जाते हैं। तो तर्क कथन सही कह रहा है, तर्क कह रहा है क्योंकि बढ़िया दानेदार पत्थर की अनुपलब्धता के कारण कलाकार ने स्थानीय रूप से उपलब्ध और ज्यादा कूटनीय माध्यम और आसानी से काम करने योग्य माध्यम को पसंद किया। तर्क सही है, कथन सही है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है, मध्यकाल में कांसा और या अन्य धातु की अनुष्ठान मूर्तियां बहुत लोकप्रिय हुई। तो ये सही कह रहा है, तर्क कह रहा है क्योंकि ऐसा विश्वास था कि धातु मूल्यवान है और ज्यादा पवित्र है, दोनों बातें सही है। 80 नंबर का प्रश्न कह रहा है, संगमरमर मूर्तियों की तुलना में धातु से बनी स्मारकीय मूर्तियां प्राचीन ग्रीस से हमारे समय तक बहुत कम बची हुई हैं। कथन सही कह रहा है, तर्क कह रहा है क्योंकि अनुवर्ती शासकों के द्वारा धातु की मूर्तियों को पुनः उपयोग हेतु प्रायः पिघला दिया जाता था। तर्क भी सही कह रहा है, ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब है। 81 नंबर प्रश्न कर रहा है, गंगा अवतरण मामल्लपुरम शैली वाला है। गंगा अवतरण प्रसिद्ध उभार मूर्ति कला कहाँ पे है? तो ये महाबलीपुरम में है। 82 नंबर प्रश्न कर रहा है, भारतीय मूर्ति कला में संरक्षक आकृतियां किस रूप में जानी जाती हैं? संरक्षक आकृतियां द्वारपाल हैं, संरक्षक आकृतियां। 83 नंबर प्रश्न कह रहा है कि कालक्रम के अनुसार इनको व्यवस्थित करना है। तो यहाँ पे देखिए, बराह जो कि गुफा संख्या 5 उदयगिरी में है, उसके बाद सदाशिव गुफा नंबर 1 एलिफेंटा, फिर शिव नटराज गुफा संख्या 1 बादामी और रावण अनुग्रह गुफा संख्या 16 एलोरा, यही क्रम इसका सही जवाब हो जाएगा। इसकी व्याख्या यहाँ दिया हुआ है कि बराह जो है चौथी पांचवी शताब्दी में गुप्तकालीन है, वराह जो कि आपका इधर यूपी में है वराह। उसके बाद फिर यहाँ पे देखिए सदाशिव गुफा संख्या 1 में, ये 5वीं से 8वीं शताब्दी की ईसापूर्व राष्ट्रकूट शासकों ने इसका निर्माण किया था। शिव नटराज 7वीं से 11वीं शताब्दी के आसपास चालुक्य वंश, और रावण अनुग्रह 9वीं से 12वीं शताब्दी एलोरा में है। 84 नंबर प्रश्न कह रहा है कि गुप्तकालीन देवगढ़ मंदिर की दीवारों पर निम्नलिखित में से कौन सी मूर्ति शिल्प मौजूद नहीं है? महिषासुर मर्दिनी जो है कि देवगढ़ की दीवारों में मौजूद नहीं है, बाकी विष्णु के तीनों अवतार आपके सामने मिल जाएंगे, आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 85 नंबर प्रश्न आपके सामने, कह रहे निम्नलिखित में को सुमेलित करिए। डांसिंग गर्ल आपका राष्ट्रीय राजधानी नई दिल्ली में है और लायन कैपिटल सारनाथ, लायन कैपिटल सारनाथ आपका सारनाथ संग्रहालय में है। और देखिए दीदारगंज यक्षी की मूर्ति पटना संग्रहालय में है। और ये बुल कैप्टन रामपुरवा, ये राष्ट्रपति भवन नई दिल्ली में है।
ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब हो जाएगा। वर्तमान में यही पे रखी हुई है, इसी संग्रहालय में यही पे। 86 नंबर प्रश्न कह रहा है, गल विहार की विशालकाय बुद्ध की मूर्तियां किस देश में स्थित हैं? तो यह है श्रीलंका में स्थित है गल विहार की विशाल बुद्ध मूर्ति। 88 नंबर का प्रश्न, विष्णु की वैकुंठ मूर्ति की विशिष्ट अभिव्यक्ति मध्यकालीन कश्मीर में बहुतायत रूप से पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब हो जाएगा। 88 नंबर प्रश्न आपके सामने है, कह रहा है कि श्रवण बेल गोला में गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण किसने कराया था? तो हाँ, गुमतेश्वर की मूर्ति का निर्माण कराया था चामुंडा राय। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न 89 नंबर का प्रश्न कह रहा है कि किस चित्र में सृष्टि के सृजन विनाश और जीवन तथा मरण का सजीव दृश्य बनाया गया है? नटराज के मूर्ति में उनके हाथों और पैरों के माध्यम से प्रदर्शित किया गया है सृष्टि के सृजन विनाश और जीवन मरण के सजीव दृश्यों का। नटराज की मूर्ति की ऊंचाई आपका 3.8 या 3.8 3.6/8 इंच है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा, कांस्य मूर्ति है नटराज की। 91 नंबर प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि द डिसेंट ऑफ गैजेस गंगा अवतरण नामक पत्थर की कठिन रिलीफ कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम में ये स्थित है। 92 नंबर का प्रश्न कह रहा है, चट्टान के बड़े टुकड़ों पर निर्मित उभारदार आकृतियां अर्जुन की तपस्या का गंगा अवतरण कहाँ पर स्थित है? तो महाबलीपुरम में स्थित है। 93 नंबर का प्रश्न आपके सामने आ रहा है, कह रहा है कि यक्षिणी की प्रतिमा का निर्माण किस शैली के अंतर्गत हुआ? तो इसका निर्माण मथुरा शैली के अंतर्गत हुआ था। 94 नंबर का प्रश्न, गोमतेश्वर की केवल एक ही पत्थर से बनी मूर्ति की स्थापना कहाँ पे की गई थी? दिए गए विकल्पों का में सही का चयन करिए। तो ये श्रवण बेल गोला कर्नाटक में स्थित है गोमतेश्वर का मूर्ति। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 95 नंबर प्रश्न की ओर चल रहे हैं। 95 नंबर प्रश्न कह रहा है, पत्थर में बुद्ध की पहली छवि किस कला रूप में दृष्टव्य होती है? तो मथुरा कला में के रूप में दृष्टव्य होती है। याजी क्या है? 96 नंबर प्रश्न कह रहा है, तो याजी आधारभूत मंदिर में पौराणिक गाथाओं से संबंधित जानवर है याजी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 97 नंबर प्रश्न और आज का आखिरी प्रश्न कह रहा है, गांधार शैली से प्राप्त कुषाणकालीन मूर्तियों पर किसका अधिक प्रभाव है? तो यहाँ पे यूनानी कला का प्रभाव ज्यादा दिखाई देता है। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 97 प्रश्न कंप्लीट होते हैं और मिलते हैं अगले प्रश्नों के साथ। कल इसका इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होगा और कल इस चैप्टर के लास्ट वीडियो के बाद अगले चैप्टर की ओर चलेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, सपोर्ट करिए और अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद। जय हिंद।